अप्रैल महीने ही लू ने लोग अंदर वाड़ते अपने पनू साहब। की ये सच है भी लू अगे जी मई जून चलती है, उन्हें अप्रैल च ही तेवर दिखाते आपदे? दिखाते जी है कि गर्मी बहुत अर्ली आ गई है जी। जी असल दे विच तां मार्च दे महीने दे विच ही गर्मी ने वट कढ़ने शुरू कर दिते सीगे। वैसाखी तो पहला वैसे लू चलदी नहीं हुंदी पहला, जी पर नेचर है, कुदरत दे अगे किसे दा जोर नहीं चलदा जी। कुदरत अपने तरीके दे नाल चलदी है। पंजाब ते गुआंढी सूबे जिहड़े ने हरियाणा राजस्थान, इस वारी तेज गर्मी पैण लगी है। बंदिया तो लैके पशु पंछी जिहड़े ने उह तंग होने शुरू होए ने। मालवा खेतर दे विच अगले 5 दिनां दे दौरान लू चलण दी चेतावनी जारी करनी पै गई है जी। जिहड़े एक्सपर्ट ने उहनां ने इह कहा कि लू तो बचण दे वास्ते लोकां नूं घरां दे अंदर रहिण दी सलाह दित्ती गई है। खेती विज्ञानी इह कहिंदे ने कि हरे चारे ते सब्जियां नूं लू तों बचाउण दे वास्ते लगातार पाणी दित्ता जावे। 40 डिग्री तो उपर तापमान पंजाब दे विच चले गया और ये अगले कुछ दिनों दे दौरान होर चढ़न दी संभावना है। कहा जा रहा है कि मानसा, बठिंडा, मोगा, श्री मुक्तसर साहब, फरीदकोट, फाजिलका, फिरोजपुर, बरनाला, संगरूर, पटियाला अगले लगातार 5 दिन लू चलूगी, गर्म हवावां चलणगियां और इन्हां दिनों दे दौरान मीह पैण दी कोई संभावना नहीं ते लगातार एक हफ्ता मौसम खुश्क रहूगा। 42 डिग्री तो उपर तापमान जा सकदा, 42 तो लैके 19 दे विचाले रहूगा। जिहड़े लोकां नूं प्रॉब्लम्स आउंदियां ने साह वगैरह दी, उहनां नूं जिहड़ा इस लू तों बचण दे वास्ते सुझाअ जिहड़े एक्सपर्ट ने, डॉक्टर ने, उहनां दे वल्लों दित्ते गए आ। फसलां ते सब्जियां दा नुकसान हो सकदा है क्योंकि इहनां दिनां दे विच वाढी आ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਹਫਤਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਢੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੰਬਾਈਨ ਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੂ ਚੱਲੂਗੀ। अप्रैल महीने ही लू ने लोग अंदर वाड़ते अपने पनू साहब। की ये सच है भी लू अगे जी मई जून चलती है, उन्हें अप्रैल च ही तेवर दिखाते आपदे? दिखाते जी है कि गर्मी बहुत अर्ली आ गई है जी। जी असल दे विच तां मार्च दे महीने दे विच ही गर्मी ने वट कढ़ने शुरू कर दिते सीगे। वैसाखी तो पहला वैसे लू चलदी नहीं हुंदी पहला, जी पर नेचर है, कुदरत दे अगे किसे दा जोर नहीं चलदा जी। कुदरत अपने तरीके दे नाल चलदी है। पंजाब ते गुआंढी सूबे जिहड़े ने हरियाणा राजस्थान, इस वारी तेज गर्मी पैण लगी है। बंदिया तो लैके पशु पंछी जिहड़े ने उह तंग होने शुरू होए ने। मालवा खेतर दे विच अगले 5 दिनां दे दौरान लू चलण दी चेतावनी जारी करनी पै गई है जी। जिहड़े एक्सपर्ट ने उहनां ने इह कहा कि लू तो बचण दे वास्ते लोकां नूं घरां दे अंदर रहिण दी सलाह दित्ती गई है। खेती विज्ञानी इह कहिंदे ने कि हरे चारे ते सब्जियां नूं लू तों बचाउण दे वास्ते लगातार पाणी दित्ता जावे। 40 डिग्री तो उपर तापमान पंजाब दे विच चले गया और ये अगले कुछ दिनों दे दौरान होर चढ़न दी संभावना है। कहा जा रहा है कि मानसा, बठिंडा, मोगा, श्री मुक्तसर साहब, फरीदकोट, फाजिलका, फिरोजपुर, बरनाला, संगरूर, पटियाला अगले लगातार 5 दिन लू चलूगी, गर्म हवावां चलणगियां और इन्हां दिनां दे दौरान मीह पैण दी कोई संभावना नहीं ते लगातार एक हफ्ता मौसम खुश्क रहूगा। 42 डिग्री तो उपर तापमान जा सकदा, 42 तो लैके 19 दे विचाले रहूगा। जिहड़े लोकां नूं प्रॉब्लम्स आउंदियां ने साह वगैरह दी, उहनां नूं जिहड़ा इस लू तों बचण दे वास्ते सुझाअ जिहड़े एक्सपर्ट ने, डॉक्टर ने, उहनां दे वल्लों
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਜੇ ਹਫਤਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਢੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇੰਨੀ ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੂ ਚੱਲੂਗੀ।